एस्ट्रंस लास्ट इससे पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया था स्ट्रम्स सम डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रम्स मेजोरेंट एंड स्ट्रम्स मेरोरेंट. उन डेफिनेशंस के बेसिस पे हम नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं जो इस थ्योरम का नाम है स्ट्रम्स कंपेरिजन थ्योरम. स्ट्रम्स कंपेरिजन थ्योरम. यस, स्ट्रम्स कंपेरिजन थ्योरम की दिस वन. यस करेक्ट. इसका सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखा दे रहे हैं. स्टेटमेंट क्या है? एज्यूम दैट फर्स्ट पॉइंट इज P1T, P2T, Q1T and Q2T are continuous on the interval A is less than equal to T is less than equal to B. And now second point is U1T and U2T are the non-trivial solutions of equation number 1. इसको ले लेते हैं. ये equation number 1 is like that P1T U dash whole dash plus Q1T U is equal to 0 equation number 1. P2T U dash whole dash plus Q2T U is equal to 0 equation number 2. U1T and U2T are the non-trivial solutions of equation number 1 and 2 respectively. Correct? Equation number 1. Equations of 1 and 2 respectively. Third point is equation two, this one is a Strum measurement of equation one on AB. Fourth point is the inequality P2A U2 dash A divided by U2A less than equal to P1A U1 dash A divided by U1A equation number 3 holds if U1A is equal to 0 or U2A is equal to 0, then the left or right expression of equation number 3, this expression, yes, is defined as
प्लस इन्फिनिटी एंड फिफ्थ पॉइंट इज यू वन टी हैज एग्जैक्टली एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन जीरोस एट टी इज इक्वल टू टी वन टी टू अप टू टी एन वेयर द पॉइंट्स आर डिफाइंड एज टी वन इज लेस देन टी टू इज लेस देन टू टी एन ऑन ए बी करेक्ट देन द सल्यूशन U to T has at least n zeros on interval ATN. Yes, this one. ये हम लोग की स्टर्म कंपेरिजन थ्योरम का ये सारा स्टेटमेंट है. क्लियर? अब हम इसके प्रूफ को समझिए, स्टार्ट करते हैं. तो प्रूफ में हम लोग क्या स्टार्ट करना है? फर्स्ट कंडीशन इज गिवन, नेक्स्ट वन इज गिवन, थर्ड वन इज गिवन, फोर्थ गिवन, फिफ्थ गिवन. ऑन दीज बेसिस वी हैव टू प्रूव दैट यू टू टी हैज एट लीस्ट एन जीरोस ऑन दिस इंटरवल. करेक्ट? सो लेट अस डिफाइन a pair of continuous functions phi 1t phi 2t on the interval A less than equal to T is less than equal to B. By the relations आप लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने प्रूव कराया था प्रूफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. उन ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग इससे पहले वाले लेक्चर में ही डिफाइन किया था रिसेंटली. फाइव वन टी क्या डिफाइन किया था? ये कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन था प्रूफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में? टेन इनवर्स यू वन टी डिवाइडेड बाय पी वन टी यू वन डैश टी. यस, लेट अस दिस इक्वेशन नंबर इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड नाउ दिस वन इज फोर. एंड सिमिलरली फाइव टू टी अगेन दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स U2 T divided by P1 T U2 dash T. Correct? Equation number 5. अब इस equation से corresponding हम लोग देख सकते हैं दोनों relations के corresponding phi 1 phi 2 अपने निकाल लिया है. अब next देखिए इसके x start करते हैं. इसको लिख सकते हैं phi 1 phi 2 के कर लिया आपने. इसे करस्पॉन्डिंग लिखते हैं फॉर जीरो इज लेस देन इक्वल टू फाइव आई लेस देन पाई फॉर आई वेरिंग फ्रॉम वन टू टू. यहाँ पे हमने दो टर्म लिए तो दो कम कंसीडर करना. इन दोनों की करस्पॉन्डिंग अगर हम ये देखते हैं फाइव वन फाइव टू की करस्पॉन्डिंग यूजिंग द प्रीफर ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों ने अभी इक्वेशन नंबर फोर और फाइव में जो डिफाइन किया है तो ये क्या हो गया टेन फाइव वन इज दिस वन टेन फाइव टू इज दिस वन. तो इन रिजल्ट्स को अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स अगर हम इसे ए पॉइंट करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे इनमें ए सब्सिट्यूट कर देते हैं ना. टेन फाइव वन ए इज इक्वल टू दिस थिंग फाइव टू ए इज इक्वल टू दिस थिंग. इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम निकालते हैं तो इक्वेशन नंबर थ्री से ये क्लियर हो जाएगा. ये आप लोग निकाल सकते हैं दोनों करस्पॉन्डिंग में कि जीरो इज लेस देन इक्वल टू फाइव वन ए
लेस देन इक्वल टू फाई टू ए लेस देन पाई, इक्वेशन नंबर 6, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 3 से क्लियर हो गई ना। अच्छा चलिए, इसके बाद में नाउ एंड द प्रीफर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस के जो रिड्यूस किया था, उन रिड्यूस करने करस्पॉन्डिंग किया था, 51 डैश इज इक्वल टू 1/P1T cos square 51 plus Q1T sin square 51, इक्वेशन नंबर 7। एंड सिमिलरली 52 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाए, 52 डैश इज इक्वल टू 1/P2T cos square 52 plus Q2T sin square 52, इक्वेशन नंबर 8। यस, इन इक्वेशंस को लोग जनरलाइज फॉर्म में ले सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ आई टी फाई, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/PIT cos square 5 plus QIT sin square 5, I 1 or 2, I varying from 1 or 2, correct. Let us, this equation number is 9. Now, therefore, from the properties of F1 and F2, it follows that the solutions phi 1t, दोनों के करस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं, 51T ऑफ इक्वेशन नंबर 7, ये देखिए इक्वेशन है 51T से करस्पॉन्डिंग हम लोग देख रहे हैं, थ्रू द पॉइंट किसके है, थ्रू ए, और पॉइंट हमारा क्या 51 है, करेक्ट। और सिमिलरली एंड 51T के करस्पॉन्डिंग निकाला, तो ये हम लोग फर्स्ट वाला 51T और 52T ऑफ इक्वेशन 8, नेक्स्ट इक्वेशन हो गई 51 इसे करस्पॉन्डिंग होगा, 52 ये हो गई, 52 8 थ्रू द पॉइंट थ्रू ए, और 52 51T, 52 दिस वन इज हियर इज यस 51 ए, और ये 52 ए, फॉर A is less than equal to T is less than equal to T in this interval. This interval. तो इन दोनों interval के corresponding हम लोग क्या ले सकते हैं? There are 51T of equation this throw and 52T of this exist. ठीक है, from the these are exist and are unique. And are unique on the same interval AB. Yes, and therefore, from the inequality equation number 5, इसके दोनों corresponding जो निकाला है, therefore these are the unique. Therefore, from the assumption third हम लोगों ने ये निकाला है, from the assumption third. And the relation 9 जो निकाला, from the relation 9 we get F1T5 is less than equal to F2T5 for T belongs to AB, correct, for all five. Now, hence from the inequality, hence
फ्रॉम द इनइक्वालिटी इन इक्वालिटी सिक्स एंड द थ्योरम ऑन डिफरेंशियल इनइक्वालिटी वी ऑब्टेन फाइव वन टी लेस देन इक्वल टू फाइव टू टी फॉर टी बिलोंग्स टू ए बी लेट अस दिस इक्वेशन नंबर इज 10 देयरफॉर फाइव वन टी एन क्या हो जाएगा टे पॉइंट टी वन टी टू या अपने वेरिएशन क्या लिखा टी वन फाइव वन फ्रॉम जीरो टू पाई तक लिया तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर फाइव वन टी एन इज इक्वल टू एन फाइव यस दिस इम्प्लाइज दैट फाइव टू टी एन इज फाइव टू टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एफ टी वन देयर सो यू कैन से दैट फाइव वन टी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन फाइव दस वी हैव द थ्योरम यस दस वी हैव द थ्योरम करेक्ट ये थ्योरम आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्ट्रम कंपेरिजन थ्योरम लोगों ने इस तरह से कंप्लीट कर दिया अब इसका एक इसी का बेसिस पे और है इसी का इस कैरोलरी ही है चलिए उसको और प्रूफ करा देते एक कैरोलरी भी इसी में है जिसके करस्पॉन्डिंग ये है एक कैरोलरी भी हम आप इसको डिफाइन कह दे रहे हैं इसी में है कैरोलरी वन लिख लीजिएगा कैरोलरी ठीक है वन द जीरोज ये कैलोरी की डेफिनेट ये पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा द जीरोज ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस U1T and U2T of equation P1T U dash whole dash plus Q1T U is equal to 0 equation number 1 interplace. That is between two consecutive zeros are zeros of one solution there lies a zero of the other solution का चलिए प्रूफ और आपको कला स्ट्रम कंपेरिजन थ्योरम के ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रम कंपेरिजन थ्योरम की करस्पॉन्डिंग हम इसको यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हैं प्रूफ करते हैं इसके यस लेट टी वन एंड टी टू बी लेट टी वन एंड टी टू बी द टू बी द टू कॉन्सिक्यूटिव zeros of u1t correct since u1t and u2t are the solutions of equation number 1
therefore they must lie in the equation number 1. ठीक है, टी वन और टी टू अगर इस इक्वेशन के जीरोज हैं तो देयर फोर दे मस्ट लाई इन दिस इक्वेशन. सो वी कैन राइट एस पी वन टी यू वन डैश होल डैश प्लस क्यू वन यू वन इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू एंड पी वन टी U2 dash whole dash plus Q1 U2 is equal to 0. ये क्या लिखा है देखिए आपने फिर से देख लीजिएगा. T1 and T2 be the two consecutive zeros of U2. अब इससे corresponding आपने देखा दोनों equations के corresponding हम लोगों ने क्या किया U1 T की corresponding U1 की corresponding. ठीक है, और पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं यू टू के करस्पॉन्डिंग. ठीक है, आपने ये लिया द जीरोज ऑफ टू इंडिपेंडेंट और सॉल्यूशन यू वन टी एंड यू टू टी ऑफ दिस वन. यस, नाउ मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर टू बाय फर्दर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय U2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एंड इक्वेशन थ्री बाय किससे कर ले U1 से कर ले रहे हैं एंड सब्ट्रैक्टिंग. करेक्ट, एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा देखिए आप U2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं U1 से यहाँ मल्टीप्लाई तो ये दोनों टर्म जो तो कैंसिल हो जाएंगे. ये बचेगा क्या आपके पास, आपके पास ये टर्म आएगा U2. यस, ये टर्म आएगा U2 P1 U1 डैश का होल डैश माइनस U1 P1 U2 डैश का होल डैश इज इक्वल टू जीरो. क्लियर, अब इन ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग अगर चाहें तो इसी कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या ले सकते हैं, यू टू डैश और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या ले सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट दिस कैन बी अगेन बी रिटन एज पी वन पी वन यू वन डैश यू टू माइनस यू वन यू टू डैश होल डैश इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि दोनों टर्म फिर आपके एक एक दो दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये टर्म को हम होल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर आप चाहें तो एक एक को डिफ्रेंशिएट करके देखिए तो आपका यही रिजल्ट आ जाएगा. करेक्ट, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम टी वन टू टी टू तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, वी गेट